वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस राइटिंग एंड बेसिक्स ऑफ बिजनेस राइटिंग का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस का मेन टॉपिक है बिजनेस राइटिंग, तो उसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस राइटिंग। तो उस पर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस राइटिंग। सो इन दैट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बिजनेस राइटिंग इज़ द एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस राइटिंग। सो वन ऑफ द की पैरामीटर्स इन बिजनेस राइटिंग इज़ द एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये एक मेन पैरामीटर है बिजनेस राइटिंग का। सो एज इवन द स्लाइट ऑफ मिस्टेक्स इन फिगर्स और फैक्ट्स मे लीड टू अ सिग्निफिकेंट चेंजेस। अगर आप बिजनेस राइटिंग लेटर्स में इफ देर इज अ मिस्टेक इन फिगर्स, ठीक है, अगर आप वहाँ पे कोई नंबर्स डिनोट कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस राइटिंग लेटर में, और सम फैक्ट्स यू हैव टू नोट इन देयर लेटर, सो इट इज़ रॉन्ग, सो इट क्रिएट्स अ बैड इम्प्रेशन, स्पेशली when presenting figures of sales or experimental values, accuracy has maintained and the targeted audience should never be underestimated. ठीक है, अगर आप कोई कंपनी का जो सेल्स है, ठीक है, नेट सेल्स अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड उसमें जो फिगर्स है, फिगर्स ऑफ सेल्स और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ठीक है, सो दैट कैन बी एक्यूरेट। So these are the points regarding the accuracy characteristic. Second one is the clarity. Before writing a manuscript, it is very important to understand the concept or idea ourselves and then present it to the reader. So before writing a manuscript, it is important to understand the concept. ठीक है, इस आप जब भी बिजनेस राइटिंग लेटर लिखेंगे या मेनुस्क्रिप्ट लिखेंगे, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और द आइडिया इज क्लियर एंड देन दैट आइडिया इज प्रेजेंट टू द रीडर। एट टाइम्स इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सेम मैसेज इज नॉट कन्वे टू द रीडर ड्यू टू सम डिस्परेंसी। ठीक है, मीन जो आप आइडिया आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है, सो समटाइम्स इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड, सो दिस मे बी एट्रिब्यूटेड टू लैक इन द क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। तो ये किसकी वजह से होगा, द क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। दस अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। इफ द राइटिंग इज वेज देन रिजल्ट शुड बी अ मीनिंगलेस। Thus, in order to achieve clarity, it is important to use straightforward and unequal language and the representation. Means, जो thing आपको reader को transfer करना है, ठीक है, या आपको share करना है, so that thing will be a very clear to your audience or audience point of view regarding the subject of that idea. ठीक है, जो आपको सब्जेक्ट या जो आइडिया आपको एक्सप्लेन करना है रीडर को, दैट कैन बी अ क्लियर। देन थर्ड वन इज द करेक्टनेस। बिजनेस राइटिंग नीड्स टू बी अ करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो बिजनेस राइटिंग में जो भी पॉइंट्स है, दैट पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन करेक्ट फॉर्मेट। द लैंग्वेज शुड बी यूज करेक्टली बाय अवॉइडिंग द स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा था कि कम्युनिकेशन में जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करोगे, दैट लैंग्वेज इज़ फ्री फ्रॉम द स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, मीन्स आपको उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर ऑल्सो। ठीक है, द अपीयरेंस एंड द लेआउट ऑफ द लेटर शुड बी करेक्ट। तो जो अपीयरेंस रहेगा लेटर का एंड द लेआउट ऑफ दैट लेटर, ठीक है,
तो ये सब चीज़ें करेक्ट होना चाहिए। मोर एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द लेटर शुड बी अ फैक्चुअल एंड करेक्ट। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप लेटर राइटिंग में लिखोगे, बिजनेस राइटिंग में, दैट कैन बी अ फैक्ट्स एंड करेक्ट। रॉन्ग इंफॉर्मेशन में भी मिसलीड द रिसिपियंट्स, ठीक है। तो लेटर राइटिंग में जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर आप दोगे, सो दैट कैन बी अ मिसलीडिंग टू द रिसिपियंट्स। तो जिसको आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो उनको मिसगाइड करेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक विच इज करेक्टनेस। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस राइटिंग इज डिस्क्रिप्टिवनेस। सो इन दैट when writing any business document it is important to describe and cover each aspect of the object, means jo object aapko explain karna hai ya jo idea aapko explain karna hai, you have to describe and cover each and every point regarding that object. This descriptive language should not be a flowery and wordy but should be written well so that it creates an exact picture in the mind of reader, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट या आइडिया आपको एक्सप्लेन करना है टू द रीडर, सो इट यूजेस अ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इन डिटेल, सो बट इट शुड बी रिटन इन वेरी गुड फॉर्म, ओके, सो दैट क्रिएट्स एन एग्जैक्ट पिक्चर इन द माइंड ऑफ रीडर। इस आपको जो बात एक्सप्लेन करना है, ठीक है, या आपको जो आइडिया एक्सप्लेन करना है रीडर को, सो इट यूजेस द डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज होता है। सो जो पिक्चर है आपके आइडिया का, दैट कैन बी वेरी क्लियर इन द रीडर्स माइंड। सो दैट इज़ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज डिस्क्रिप्टिवनेस इन द बिजनेस राइटिंग। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज इन बिजनेस राइटिंग हेल्प्स टू पुट द थॉट्स इन टू रियलिटी, ठीक है। तो लैंग्वेज का जो पार्ट है इसमें, वो मेन पार्ट है, मीन्स इन बिजनेस राइटिंग इट हेल्प्स टू पुट द थॉट्स। तो जो भी आपके थॉट्स होंगे, दैट थॉट्स कैन बी रिटन बाई यूजिंग दिस लैंग्वेज इन टू द रियल फॉर्म। सो बाई सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स आवर क्लियरिटी ऑफ थॉट्स विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू इट, ठीक है। तो एक प्रॉपर वर्ड्स और सेंटेंस सिलेक्ट करने से आपको जो भी ऑब्जेक्ट या आइडिया क्लियर करना है, दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड थ्रू दैट। फॉर बिजनेस राइटिंग वी शुड मेक यूज ऑफ वर्ड्स विच आर रिकॉग्नाइज एज हैविंग स्टैंडर्ड मीनिंग विच आर गिवन इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए हम डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड्स होंगे, दैट कैन बी रिटन। सो यू हैव टू फाइंड दैट मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी। सो दीज वर्ड शुड बी विदाउट एनी इमोशनल ओवरटोन्स। लैंग्वेज इन बिजनेस शुड नॉट बी इम्प्रेस बट रादर द टू रिफ्लेक्ट द क्लियर एंड डायरेक्ट मीनिंग्स, ठीक है। तो जो लैंग्वेज बिजनेस लेटर में यूज़ होगा, दैट कैन नॉट बी अ इमोशनल एंड इट शुड नॉट बी अ इम्प्रेस बट रादर देन इट कैन बी रिफ्लेक्ट अ क्लियर एंड डायरेक्ट मीनिंग्स, ठीक है। तो जो लैंग्वेज बिजनेस राइटिंग में यूज़ होगा, तो उसमें आपको जो आइडिया क्लियर करना है और द डायरेक्ट मीनिंग, सो दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज इन बिजनेस राइटिंग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज सिक्स इज अ बायस फ्री राइटिंग। इन दैट अ राइटर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायस और इंडिविजुअल ओपिनियंस। इट इज प्रेफर्ड नॉट टू मेक यूज ऑफ स्टेरियोटिपिकल वर्ड्स विच जनरलाइज ऑन एनी रेस कल्चर रिलीजन और नेशनलिटी, ठीक है। तो बिजनेस राइटिंग लेटर में बायस फ्री राइटिंग इज अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इन दैट राइटर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायस और इंडिविजुअल ओपिनियंस, ठीक है। तो इंडिविजुअल ओपिनियंस से
राइटर फ्री होना चाहिए एंड इट इज़ प्रेफर्ड टू मेक द यूज़ ऑफ स्टीरियोटिपिकल वर्ड्स विच जनरलाइज ऑन एनी रेस कल्चर रिलीजन और नेशनलिटी. सो दैट इज़ द पॉइंट रिगार्डिंग द बायस फ्री राइटिंग. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द स्टाइल. द राइटर शुड हैव टेक्निकल नॉलेज अलॉन्ग विद द गुड राइटिंग स्टाइल. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर वन में स्टडी किया था कि राइटिंग इज एन आर्ट. सो राइटर हैज़ अ गुड नॉलेज रिगार्डिंग द टेक्निकल. अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी कंसिडर्ड टू मेक अ गुड राइटिंग. ठीक है, तो जो भी आइडिया आपको प्रेजेंट करना है या राइटर को प्रेजेंट करना है टू द रीडर, सो दैट आइडिया शुड बी अ क्लियर वन फर्स्ट एंड द स्टाइल ऑफ दैट राइटिंग विल बी इन करेक्ट फॉर्म. ऑल्सो क्लैरिटी ऑफ थाट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड राइटर. ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी क्लैरिक कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टडी किया है. तो जो थाट्स आपको शेयर करना है विद द रीडर, ठीक है, थ्रू द राइटिंग, सो दैट कैन बी अ वेरी क्लियर एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट. अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड राइटिंग इज टू चेक द स्पेलिंग बाई यूजिंग डिक्शनरी एंड रीचेकिंग द मिसप्लेस्ड वर्ड्स. तो ये पॉइंट भी हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि बिजनेस राइटिंग लेटर्स में या बिजनेस राइटिंग में जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करोगे दैट कैन बी फ्री फ्रॉम द स्पेलिंग मिस्टेक. फॉर दैट वी यूज़ द डिक्शनरी. सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक. एंड द लास्ट वन विच इज़ 8, अवॉइड प्लैगरिज्म वाइल राइटिंग बिजनेस लेटर और करस्पॉन्डेंस. द राइटर शुड बी केयरफुल नॉट टू कॉपी अनदर पर्सनल आइडियाज और अनदर पर्सनस आइडियाज. ठीक है, इस बिजनेस राइटिंग लेटर में या करस्पॉन्डेंस में द राइटर शुड बी केयरफुल नॉट टू कॉपी द एनी अदर पर्सनस आइडिया वर्ड्स और द वर्क. ठीक है, दैट शुड बी यूनिक और इज पर्सनल वर्ड्स और आइडियाज. ठीक है, तो इसमें कोई कॉपी नहीं करना है. ठीक है, मीन्स अनदर पर्सन के आइडियाज वर्ड्स एंड हिज वर्क कैन नॉट बी कॉपी इन बिजनेस लेटर. सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस राइटिंग. सो फाइनल वी कंक्लूड इट. दस द बिजनेस राइटिंग इज सिंपल एज ईटिंग एन एलिफेंट. डू इट वन बाइट एट अ टाइम. थिंक्स स्ट्रेटेजिकली एंड डिवाइड एंड कॉन्क्योर. राइटिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल इन रिलेटेड स्टेप्स. फर्स्ट इज अ प्रिपरेशन, रिसर्च, ऑर्गेनाइजिंग, ड्राफ्टिंग, रिव्यू एंड रिविजन. सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस फॉर द बिजनेस राइटिंग. दीज आर द इन रिलेटेड स्टेप विथ ईच अदर बिकॉज दे आर इंडिविजुअल स्टेप्स फॉर द बिजनेस राइटिंग. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बिजनेस करस्पॉन्डेंट टॉपिक को डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.